हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील लोडेड ऑन दी ट्रक। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टील जो है ट्रक में आता है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि उस ट्रक का स्टील के साथ वेट करते हैं और फिर खाली ट्रक का वेट करते हैं, जिससे हमें स्टील की जो वेट है वो मिल जाता है। बट दोस्तों, कई बार दोस्तों वेटिंग मशीन पास में नहीं होता, जिससे दोस्तों हम वेट नहीं कर पाते, या फिर दोस्तों हमारा जो स्टील हमने मंगाया था वो और जो हमें यहाँ पे मिला उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम खुद कैसे कैलकुलेट करें कि जो ट्रक है उसमें कितना स्टील आया है, तो आज की वीडियो में ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं आपको दूंगा। तो अगर ये ट्रक में अगर स्टील लोडेड है तो ये स्टील का वजन क्या है, बिना किसी वेटिंग मशीन के हमें इस स्टील का वेट कैलकुलेट करना है। तो सोचिए, अगर इसका वेट हम कैलकुलेट करेंगे, एक दो स्टील है तो हम कर ले, बट इतने सारे स्टील का हम वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतने सारे प्लस अलग अलग डायमीटर की अगर स्टील हो तो उसका वेट कैसे कैलकुलेट होगा, सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, ठीक है, अगर स्टील जो ट्रक में लोड है तो सबसे पहला काम आपको करना है रिकॉग्नाइज द डिफरेंट डायमीटर ऑफ स्टील। स्टील जो ट्रक है उसमें अलग अलग डायमीटर के कौन कौन से स्टील है, जैसे कि यहाँ पे 8 mm स्टील है, 10 mm है, 12 mm का है, उसके बाद 16 mm है और यहाँ पे 20 mm है। तो इस तरह से हमें डिवाइड करने का, जो बंच आएंगे दोस्तों वो अलग अलग ही आएंगे कि 8 mm के, 10 mm के, 12 mm के, 16 mm के, 20 mm के, अलग अलग बंच वो आपको ट्रक में लोडेड होंगे, ठीक है। तो पहले हमें डिसाइड करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से डायमीटर के स्टील जो है ये जो ट्रक है उस पर लोडेड है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि हमें काउंट दी नंबर्स ऑफ स्टील इन ईच डायमीटर ऑफ स्टील, राइट। मतलब दोस्तों हमें काउंट करना है कि 8 mm के कितने स्टील हैं, ठीक है, उसके बाद 10 mm के कितने हैं, उसके बाद 12 mm के कितने हैं, 16 के कितने हैं, 20 के कितने हैं। जैसे कि 8 mm के 80 स्टील आए हैं, 10 mm के करीबन 120 स्टील है, 12 mm के 50 है, उसके बाद 16 mm के 60 है और 20 mm के 30 नंबर्स ऑफ स्टील आए हैं। इस तरह से हमें काउंट करना है कितने नंबर्स है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अलग अलग डायमीटर के स्टील, सेकेंड स्टेप में अलग अलग डायमीटर के कितने नंबर्स ऑफ स्टील हमारे साइट पे विजी आए हैं वो हमें काउंट करना है। देन थर्ड स्टेप आपको है फाइंड आउट द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। दोस्तों, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने पुराने वीडियो में भी डाला है। तो यूनिट वेट ऑफ स्टील बार क्या है, तो यूनिट वेट इज द पर मीटर वेट ऑफ डिफरेंट स्टील डाया। दोस्तों, 1 meter स्टील का जो वेट है, राइट, पर्टिकुलर स्टील के लिए, कोई स्टील के लिए, 8 mm स्टील का 1 meter का वेट, तो ये क्या हुआ उसका यूनिट वेट, 10 mm स्टील का 1 meter का वेट, ये क्या हुआ उसका यूनिट वेट। तो हम यूनिट वेट फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेट दोस्तों जो है 20 mm का 2.46 है, 16 mm का 1.58, 12 mm का 0.89 kg per meter, then 10 mm का 0.62 kg per meter and 8 mm का 0.395 kg per meter। मतलब दोस्तों 20 mm का जो स्टील है उसका 1 meter का वेट 2.46 kg होता है, उसी तरह से 16 mm का 1 meter का वेट 1.58 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप पे फाइंड आउट द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। अब दोस्तों, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए यूनिट वेट का इक्वेशन है सेम है डी स्क्वायर अपॉन 162। डी क्या है, हमारा डायमीटर ऑफ स्टील इन एमएम है, ठीक है, यहाँ पे हमें डाय स्टील ऑफ एमएम में ही लेना है। अगर सपोज 8 mm का स्टील है तो डी क्या हुआ 8 mm, तो 8 × 8 डी स्क्वायर मतलब 8 × 8 डिवाइड बाय 162, तो हमें यूनिट वेट ऑफ 8 mm कितना मिल गया, 0.395 kg पर मीटर। उसी तरह से बाकी सारे जो डाय है उसके लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया और मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने यूनिट वेट कैलकुलेट किया है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप्स जो होता है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार। अब दोस्तों क्या करेंगे, वेट ऑफ स्टील बार कैलकुलेट करेंगे। इन इंडिया स्टील बार आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ 12 meter। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो स्टील बार आते हैं वो 12 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले नहीं आते हैं। तो टोटल वेट ऑफ स्टील ईच स्टील बार, मतलब हर एक जो स्टील बार है 8 mm 10 mm, उनका टोटल वेट कैसे निकाले, मतलब 8 mm के जो अगर 180 स्टील आए हैं तो उसका टोटल वेट कैसे निकालेंगे, तो नंबर्स ऑफ स्टील बार मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ बार।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डायमीटर है और नंबर ऑफ स्टील बार है, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, नंबर ऑफ स्टील कितने आए हैं, 30 आए हैं, उसका यूनिट वेट कितना था 2.46, लेंथ कितनी है 12 मीटर सबके लिए, तो टोटल वेट 20 mm का 885.6 kg। उसी तरह से जो 16 mm है वो 60 है और उसका यूनिट वेट कितना है 1.58 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 1137.6 kg वो उसका टोटल वेट हुआ। उसी तरह से 12 का है 50 नंबर्स पॉइंट यूनिट वेट है 0.89 मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब 534 kg वो 12 का वेट हुआ। 10 mm के एक्स वी स्टील आए हैं और उसका यूनिट वेट है 0.620 मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब 892.8 kg वो हुआ। 8 mm की 80 स्टील है, यूनिट वेट है 0.395 मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब 379.2 kg दोस्तों 8 mm का वेट हो गया। अब दोस्तों क्या हम क्या करेंगे, टोटल वेट कितना आया है, तो टोटल वेट ऑफ स्टील बार लोडेड ऑन दी ट्रक कितना हो गया, 3829.2 kg स्टील आया मतलब 3.829 टन जितना दोस्तों यहाँ पे जो स्टील है हमारे ट्रक पे लोड हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको कभी प्रैक्टिकली जो साइट पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप दोस्तों इस तरह से स्टील का जो वेट है वो कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज था आपके लिए कि आप इस तरह से साइट पे स्टील का वेट निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिवी कॉन्सेप्ट, जिससे दोस्तों आपको मेरे जो वीडियो है दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है।